डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी और हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल सच दैट दिस कंडीशन इज गिवन एंड वी आर सपोज टू प्रूव टेन अल्फा इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स टेन बीटा। तो हम इस कंडीशन से चालू करेंगे और हमें ये प्रूव करना है। तो ध्यान से सुने मेरी बात को कि ये और इसमें क्या रिलेशन है। देयर शुड बी सम रिलेशन बिटवीन दीज टू, जो हमें दिया है और जो हमें प्रूव करना है। तो जो हमें दिया है वो कॉस में है, जो हमें प्रूव करना है वो टेन में है, और जो हमें दिया हुआ है वो कॉस ऑफ टू थीटा है। तो क्या अपने पास कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जो कॉस टू ट्वाइस ऑफ समथिंग को टेन ऑफ समथिंग में बदल दे? यस, वी हैव सच फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला दोस्तों? तो कॉस टू ए इज वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये एकमात्र फॉर्मूला, दिस इज द ओनली फॉर्मूला विच इज अ की ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की है। तो वो कैसे? तो आप देखिएगा कि वी आर गिवन कॉस टू थीटा इज इक्वल टू थ्री कॉस टू बीटा माइनस वन अपॉन थ्री माइनस कॉस टू बीटा। हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ राइट साइड में देखिए वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा। अब आपको सेंस हो रहा होगा, क्या सेंस हो रहा होगा? कि यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत है। तो नेचुरली यहाँ पर एलसीएम की ज़रूरत है, तो हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम ले करके देखते हैं क्या होता है। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम अगर लेंगे हम तो एलसीएम क्या होगा इसका देखते हैं। एलसीएम देखें, लेफ्ट साइड विल रिमेन एज इट इज, लेफ्ट साइड में नो चेंज। राइट साइड में चेंज आएगा एलसीएम से, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास? थ्री इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा, थ्री इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा होल अपॉन, इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा? इस पूरे के अपॉन में आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा होल अपॉन, इस पूरे के अपॉन में ये आएगा। तो थ्री इंटू दिस, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा होल अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा। ये होल अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा और ये होल अपॉन दिस कैंसिल। अब देखेंगे क्या होगा दोस्तों, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नेचुरली अब ये सिंप्लीफाई होगा, तो थ्री माइनस थ्री टेन स्क्वायर बीटा माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा होल अपॉन थ्री प्लस थ्री टेन स्क्वायर बीटा माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा। लेफ्ट साइड विल रिमेन एज इट इज जब तक राइट साइड मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आ जाती। राइट साइड जब तक मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आएगी। तो थ्री माइनस वन इज व्हाट? टू माइनस थ्री टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन दिस टेन स्क्वायर बीटा माइनस फोर टाइम्स टेन स्क्वायर बीटा होल अपॉन देखिए थ्री प्लस थ्री माइनस वन क्या होगा? टू थ्री टेन स्क्वायर बीटा प्लस दिस टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा फोर टेन स्क्वायर बीटा। और आप बिल्कुल अब सही सोच रहे हैं, इससे टू और इससे टू कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो इससे टू और इससे टू कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ था इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स, इसकी हमें ज़रूरत होगी इसलिए मैंने इसे रब नहीं किया।
तो देखिए आपके पास आ गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा, सॉरी थीटा लिख दिया मैंने, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में अल्फा गिवन था तो नो इशू, इसमें मान लेते हैं कि वो थीटा था तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा थीटा, तो ऐसा कोई खास इश्यू नहीं है, उसे आप कंसीडर कर लें क्योंकि वो किस स्टेप में गलती हो गई है अब मेरे लिए रिवर्स ऑर्डर में जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो यू मे अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन नाउ। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा, अगर उसमें करेक्शन था तो इसको थीटा कर दें, अगर उसमें मींस उसमें 2 थीटा था तो इसमें थीटा कर दें, और अगर उसमें 2 अल्फा था तो उसमें भी थीटा कर दें, इसमें भी थीटा कर दें, तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोस्तों समझ नहीं होगी हमें कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होती है, तो जिन्हें आती है वो लगा सकते हैं और वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, और जो समझना चाहते हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझें, बिल्कुल आसान है और बार बार इसका यूज़ होगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या चीज़ है? ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, दोनों साइड होना, अगर दोनों साइड नहीं है तब इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रूल कहता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इसको लगाने के, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, जो लेफ्ट साइड में काम करते हैं वो राइट साइड में काम करते हैं, और भी लगा सकते हैं जैसे बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, डी माइनस सी अपॉन डी प्लस ए सी, ऐसे चार तरीके हैं इसको लगाने के, लेकिन हम सबसे आसान वाला क्या लगाया है और क्या किया हमने उसको ध्यान से देखें। हमने सबसे आसान वाला इस्तेमाल किया है, हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों साइड देखे, फिर रूल कैसे लगाया हमने, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और नीचे लगा दिया हमने न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अगर आप ऐसा लगाते न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर तो नीचे लगाना पड़ता न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे कभी, और अभी देखिएगा आप, और दोनों साइड में लगाना होगा। तो देर आर टू कंडीशंस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, दैट टू साइड्स मस्ट बी देयर, दो साइड होना लेफ्ट और राइट, जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम क्या करेंगे हम राइट में करेंगे, और बोथ द साइड्स शुड हैव समथिंग इन डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ होना। तो देखें आप क्या होगा हमारे पास, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो आप, ये माइनस प्लस माइनस होगा तो ये दोनों ऐड होंगे, 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा प्लस 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा होल अपॉन 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा, ये 1-1 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 टेन स्क्वायर बीटा 2 टेन स्क्वायर बीटा कैंसिल होगा, 1 और 1 आपका ऐड हो जाएगा 2, इसमें ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे बिकॉज माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स टेन स्क्वायर बीटा, ये आपका 1 प्लस 1 हो गया 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको आप उधर भेज दें तो ये हो जाएगा आपका 4 टेन स्क्वायर बीटा, इधर इसको भेज दिया 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, या पहले आप ऐसा लिख लें टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टेन स्क्वायर बीटा, आप टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2 टेन बीटा, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट लिया है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आप वो प्रॉब्लम जो मैंने कहा था
कि अल्फा और बीटा क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। अल्फा और बीटा एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल है मतलब वो यहाँ पर होंगे, यहाँ पर अल्फा भी पॉजिटिव होगा, वो सॉरी टेन अल्फा और टेन बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये जो माइनस वाला वैल्यू है वो नहीं आएगा। तो सिंस अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट, आर एक्यूट, देयरफोर टेन, सॉरी अब अल्फा बीटा की बात आ गई, अब यहाँ पे हमने थीटा बीटा लिख दिया, तो यहाँ भी दोस्तों क्या चेंज आ जाएगा, थीटा बीटा आ जाएगा। तो थीटा बीटा आर एक्यूट, देयरफोर टेन थीटा इज इक्वल टू रूट टू टेन बीटा। अल्फा बीटा में कहाँ मुझसे अल्फा की जगह थीटा लिखा गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप थोड़ा सा केयरफुली करना, क्वेश्चन का कंसेप्ट और सोल्यूशन आपको समझ में आ गया है। और चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन हो सके तो दबा दीजिएगा, आप आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, हिम्मत हारने की ज़रूरत है नहीं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई प्रॉब्लम होगी लिखिएगा। आपकी तरह से ही ये किसी स्टूडेंट ने मुझे प्रॉब्लम्स भेजी थी जो मैंने उनके लिए और आपके लिए सॉल्व की है। बेस्ट विशेस मेरी आपके साथ हमेशा हैं, आप आगे बढ़ें, देश आगे बढ़ेगा, ये मेरा कोटेशन है। विश यू ऑल द बेस्ट।